पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए कल सायंकाल में कल एक बहुत ही गंभीर घटना हुई जिसमें एक 7 साल के बच्चे को जो सेकंड क्लास में पढ़ता था अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था, उसी दौरान कुछ बदमाशों ने बैगनार गाड़ी में उसको उठाया और उसके बाद में उसको किडनैप कर लिया और कुछ देर के बाद में उसके परिजनों के पास में फिरौती के लिए उनके द्वारा कॉल किया गया और कई बार कॉल किया गया और इस दौरान उन लोगों ने 40 लाख रुपये की फिरौती की उनसे मांग की गई और सुबह दोबारा फ़ोन करने के लिए बताया गया। इसकी सूचना परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई और इस पर मेरे द्वारा SP सिटी और CO सिविल लाइन के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी मंजूला, थाना प्रभारी बिलारी और थाना प्रभारी पाकबाड़ा और SOG टीम और हमारी सर्विलांस टीम, 5 टीमों के माध्यम से इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयाँ की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो CCTV फुटेज है इन सबको चेक किया गया और इसी पे रात्रि भर हमने लोगों ने काम किया। करीब सुबह 6 बजे के आसपास में जो गाड़ी है ये बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई और इसको हमारी सभी टीमों के द्वारा चेज किया गया और इसी कार्रवाई के दौरान में जो अपहरणकर्ता हैं वो एक साइड वाले रोड पे गाड़ी को छोड़ के खेतों में भागे और टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा टीम पे तमंचे के द्वारा फायर भी किया गया। इसी जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम के द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया जिसमें इन दोनों को पैर में गोली लगी। अब ये घायल अवस्था में इनको CSC बिलारी ले जाया गया, उसके बाद में वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। बैगनार गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है, 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं और इस दौरान जो बच्चा है उसको सेकुशल बरामद किया गया है, उसका मेडिकल कराया गया है और उसके परिजनों को उसको सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि बच्चे अक्सर अपने घरों के बाहर खेलते रहते हैं और इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल भी समाज में इस तरह की घटना है वो बिल्कुल अक्षम्य है और इस पर हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उसी से सफलता मिली है, बच्चे को सकुशल बचाया जा सका है और जो अपराधी हैं उनको इस दौरान गिरफ्तार करके अब इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है और इस जो घटना है इसमें हम आगे भी इसको फास्ट ट्रैक में इसमें ले जाके और इनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी इसमें सजा दिलाने का हम काम। कप्तान साहब प्रोफाइल क्या है जो बदमाश, ये दोनों जो लोग हैं ये पूर्व में इस तरह की कुछ शरारतें वहाँ पर करते रहे हैं और जो एक बदमाश है वो जो लड़का है उसी के आसपास के मोहल्ले का रहने वाला है और दूसरा जो लाइन पार्क है, लाइन पार्क जो थाना मंजूला क्षेत्र का क्षेत्र पड़ता है वहाँ का रहने वाला है और दोनों जो लोग हैं ये पहले इस तरह की जो घटनाएं करते रहे लेकिन कभी इनका नाम पुलिस की रिकॉर्ड में अभी तक नहीं आया है। इसकी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा अन्य थाना क्षेत्रों में जो घटनाएं की गई हैं तो उसके बारे में भी इनका रिकॉर्ड अभी तलाशा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में जो टीम है उन सभी टीमों को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इस कार्रवाई के लिए दिया जा रहा है। सर पेरेंट्स से कोई दुश्मनी थी या फिरौती के लिए बच्चे को? अभी तक की जो जानकारी मिली है पेरेंट्स से इनका कोई डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही वो इनको जानते हैं। इनका एक ही मोटिव था उनसे पैसे की डिमांड करना और इनके द्वारा जो रैंसम कॉल भी की गई थी जिसमें 40 लाख रुपये की इनके द्वारा डिमांड उनसे की गई थी। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।